नमस्ते मेरे क्रोशिया के शौकीन दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माइकी जी क्रोशिया में स्वागत है। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत से और बहुत ही प्यारी नई नई डिजाइने लेके आती हूँ, तो इसी कड़ी में मैं आपके लिए आज फिर से एक खूबसूरत सी डिजाइन लेके आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिजाइन पसंद आएगी। दोस्तों अगर आप इस डिजाइन को सीखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें। अगर फिर भी कोई परेशानी होती है तो कमेंट करके जरूर पूछें। तो चलिए इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 6 चेन्स बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हम गांठ बांधेंगे इस तरीके से और इसके आगे 6 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 6 चेन्स हो गए। अब हम पीछे की तरफ पलटेंगे, जो हमारी फर्स्ट चेन है, पहली चेन, उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे बीच में और इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके से एक छोटी सी रिंग बन के तैयार हो जाएगी। अब हम इसके आगे इस रिंग में फर्स्ट राउंड बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले 5 चेन बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे 1 2 3 4 5 और इसे हम 1 डबल क्रोशिया और 2 चेन मानेंगे। अब इसके आगे हम इस रिंग में 1 डबल क्रोशिया और 2 चेन 5 बार बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे, क्रोशिया धागा लपेटेंगे और इस रिंग में बीच में इस तरीके से डालेंगे क्रोशिया को और इसमें हम 1 डबल क्रोशिया 2 चेन बनाएंगे। 5 बार बनाना है हमें, तो ये 1 बार हो गया। टू बार हो गया 1 डबल क्रोशिया और 2 चेन। 3 4 आगे 1 डबल क्रोशिया और 2 चेन, इस तरीके से 5 बार हो गया। अब इसके आगे लास्ट में, जो शुरुआत में हमें 5 चेन बनाई थी, उसकी थर्ड चेन में 1 2 3 थर्ड चेन में हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरीके से स्लिप स्टिच करते हुए हमारा ये फर्स्ट राउंड बनके तैयार हो जाएगा। अब इसके आगे हम सेकेंड राउंड बनाएंगे। सेकेंड राउंड के लिए सबसे पहले हम 1 चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे जो 2 चेन की जगह है, इसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी 2 चेन की जगह में 6 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6 अब इसके आगे इसी 2 चेन की जगह में 1 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरीके से यहां पर हमने 2 चेन की जगह में 1 सिंगल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया बना ली। अब इसी तरीके से हम पूरे राउंड में हर 2 चेन की जो जगह है उसमें हम बनाएंगे। तो इसके आगे जो 2 चेन की जगह है, इसमें भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 और इसके आगे 1 सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरीके से पूरे राउंड में हर 2 चेन की जगह में हम बना लेंगे। तो इसी तरीके से मैं बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये सेकंड राउंड भी बनके तैयार हो गया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 4 चेन बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे 1 2 3 4। अब इसके आगे जो हमारा फर्स्ट राउंड है, जो फर्स्ट राउंड की जो डबल क्रोशिया है, उसमें हम पीछे की तरफ से इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे। यहाँ पे डालना है इस तरीके से और यहाँ पर हम इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसके आगे भी 4 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 और इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें भी हम पीछे की तरफ से इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया बना देंगे और इसी तरीके से हम पूरा राउंड बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ।
दोस्तों इस तरीके से हमने इस राउंड में 6 बार 4 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया बना ली है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए इसके आगे जो 4 चेन की जगह है इसमें हम इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसके आगे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, इसके आगे 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसके आगे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे 1 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने 4 चेन की जगह में 1 सिंगल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 6 ट्रिपल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया बना ली। अब इसी तरीके से पूरे राउंड में हर 4 चेन की जगह में बनाएंगे। तो इसके आगे जो 4 चेन की जगह है इसमें भी हम इसी तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 6 ट्रिपल क्रोशिया और 1 डबल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरीके से। इसी तरीके से पूरा राउंड बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 5 चेन बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब इसके आगे हम यहाँ पर इस जगह पर इस तरीके से पीछे से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे भी 5 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसके आगे वाली जो पंखुड़ी है उसमें हम इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे 5 चेन बनाएंगे। तो इसी तरीके से ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमने इस राउंड में भी 6 बार 5 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया बनाई है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए इसके आगे जो 5 चेन की जगह है यहाँ पर हम इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसके आगे 4 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। अब इसके आगे हम 6 डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे डबल ट्रिपल क्रोशिया, 3 बार क्रोशिया धागा लपेटेंगे और इस तरीके से फर्स्ट डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, ये सेकंड है डबल ट्रिपल क्रोशिया, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सिक्स। इस तरीके से हमने 6 डबल ट्रिपल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे हम 4 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। अब इसके आगे हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे और इसी तरीके से हम पूरे राउंड में हर 5 चेन की जगह में इसी तरीके से बनाएंगे। तो इसके आगे यहाँ पर जो 5 चेन की जगह है इसमें भी हम 1 सिंगल क्रोशिया, 4 चेन, 6 डबल ट्रिपल क्रोशिया और उसके आगे 4 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरीके से। और इसी तरीके से हम पूरे राउंड में बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बन के तैयार हो गया है। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको इसी तरह की और भी वीडियो आसानी से मिल सके। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये फूल बनके तैयार हो गया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड सफेद रंग से बनाएंगे। दोस्तों इस सफेद रंग को हम इस तरीके से जोड़ेंगे, यहाँ पर जो फोर्थ चेन है, जो ऊपर वाली जो फोर्थ चेन है
उसमें हम इस तरीके से डालेंगे क्रोशिया को और इस धागे को इस तरीके से जोड़ लेंगे और जोड़ते हुए 6 चेन्स बनाएंगे और इसे हम 1 ट्रिपल क्रोशिया और उसके आगे 2 चेन मानेंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे 6 चेन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसे हम 1 ट्रिपल क्रोशिया और 2 चेन मानेंगे। अब इसके आगे हम 1 डबल ट्रिपल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे की जो डबल ट्रिपल क्रोशिया है उसमें हम 1 ट्रिपल क्रोशिया और उसके आगे 2 चेन बनाएंगे। इस तरीके से फिर इसके आगे 1 छोड़ेंगे, फिर इसके आगे वाली में 1 ट्रिपल क्रोशिया और उसके आगे 2 चेन बनाएंगे। इसके आगे भी 1 छोड़ेंगे और आगे वाली में 1 ट्रिपल क्रोशिया और उसके आगे 5 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से बन गया। अब इसी तरीके से हम पूरा राउंड बनाएंगे तो इसके आगे भी इसी तरीके से बनाएंगे। जो हमारा 4th चेन है उसमें हम 1 ट्रिपल क्रोशिया उसके आगे 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से फिर इसके आगे भी जैसे हमने यहाँ पे बनाया है उसी तरीके से इसके आगे यहाँ पे बनाएंगे और इसी तरीके से हम पूरा राउंड बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में जो शुरुआत में 6 चेन्स बनाई थी उसके 4th चेन में स्लिप स्टिच करने के बाद 1 चेन बना के बाकी धागे को कट कर दिया है। अब इसके आगे हम हरे रंग से बनाएंगे तो इसे हम यहाँ पर 2 चेन की जो जगह है बीच में वहां पर जोड़ेंगे इस तरीके से और जोड़ते हुए 4 चेन बनाएंगे। इस तरीके से जोड़ेंगे 1, 2, 3, 4 ऐसे हम 1 डबल क्रोशिया और 1 चेन मानेंगे। अब इसके आगे की जो ट्रिपल क्रोशिया है उसमें भी हम 1 डबल क्रोशिया और 1 चेन बनाएंगे इस तरीके से। 1 डबल क्रोशिया 1 चेन, इसके आगे की जो 2 चेन की जगह है इसमें भी 1 डबल क्रोशिया 1 चेन और जो आगे की ट्रिपल क्रोशिया है इसमें भी 1 डबल क्रोशिया 1 चेन इसी तरीके से। आगे जो 2 चेन की जगह है इसमें भी 1 डबल क्रोशिया 1 चेन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 5 बार 1 डबल क्रोशिया और 1 चेन बना ली। अब इसके आगे जो 5 चेन की जगह है यहाँ पर भी हम 1 डबल क्रोशिया और 1 चेन 5 बार बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे, 5 बार हमें 1 डबल क्रोशिया और 1 चेन बनानी है। 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हमने 5 चेन की जो जगह थी वहां पर भी हमने 1 डबल क्रोशिया और 1 चेन 5 बार बना ली है इस तरीके से। और इसी तरीके से हम इसके आगे भी बनाएंगे, यहाँ पर इसी तरीके से बनाएंगे और इसके आगे यहाँ पर जो 5 चेन की जगह है इसमें भी हम इस तरीके से बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 4 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए इसके आगे जो 1 चेन की जगह है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। अब इसके आगे हम 5 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया 3 बार बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 इसके आगे जो 1 चेन की जगह है इसमें हम बीच में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके आगे 1, 2, 3, 4, 5 इसके आगे जो 1 चेन की जगह है उसमें हम बीच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे भी 5 चेन बनाएंगे और इसके आगे जो 1 चेन की जगह है बीच में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से 3 बार 5 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे जो 1 चेन की जगह है उसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे हम 5 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और इसे पीछे की तरफ पलटेंगे। अब इसके आगे
जो हमारी ये रो बनेगी इसमें हम 2 बार 5 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसके आगे जो 5 चेन की जगह है बीच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसके आगे भी 5 चेन बनाएंगे, 3 4 5, 5 चेन की जो जगह है आगे वाली इसमें बीच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से 2 बार हो गया। अब इसके आगे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और आगे जो 5 चेन की जगह है बीच में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, पलटेंगे दोबारा से, और इसके आगे जो 5 चेन की जगह है बीच में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस बार हम 1 बार 5 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और आगे जो 5 चेन की जगह है बीच में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर दोबारा से पलटेंगे, और जो 5 चेन की जगह है इसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम 5 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया 5 बार बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे, 1 2 3 4 5, इसी जगह पे यहां पर 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे, इसके आगे 1 2 3 4 5, इसके आगे यहां पर बीच में 1 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, यहां पर बीच में 1 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, यहां पर बीच में 1 सिंगल क्रोशिया, आगे 1 2 3 4 5, और इसके आगे यहां पर इस वाली रो में, नीचे वाली रो में जो 1 चेन की जगह है बीच में 1 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरीके से ये 5 बार 5 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया बना ली, 3 4 5, और इस तरीके से ये कोना बनके तैयार, ये हमारा पहला कोना बनके तैयार हो गया। अब इसी तरीके से हम अब पूरा राउंड बनाएंगे, तो एक बार और देखते हैं बना के। इसी तरीके से बनाएंगे, 5 चेन 3 बार, 1 2 3 4 5, आगे जो 1 चेन की जगह है बीच में 1 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, आगे जो 1 चेन की जगह है 1 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, 1 सिंगल क्रोशिया, 3 बार हो गया। अब इसके आगे 1 2 3, और आगे जो 1 चेन की जगह है उसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे 5 चेन बनाएंगे, 3 4 5, और पलटेंगे, आगे जो 5 चेन की जगह है बीच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसके आगे भी 5 चेन बनाएंगे, 3 4 5, और आगे जो 5 चेन की जगह है बीच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसके आगे 3 चेन बनाएंगे, और आगे जो 5 चेन की जगह है उसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और इसके 5 चेन बनाएंगे, यहां पर हम 3 चेन बनाएंगे, नहीं सॉरी, हमने यहाँ पर 2 बार बनाया है, तो इसके आगे भी 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ये हमारी फर्स्ट रो है, 3 बार बनाया है, ये हमारी सेकंड, 2 बार बनाया है, अब हम 1 बार बनाएंगे, पलटेंगे 5 चेन बना के, और यहाँ पर बीच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसके आगे 3 चेन बनाएंगे, और यहाँ जो 5 चेन की जगह है बीच में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और पलटेंगे दोबारा से, जो 5 चेन की जगह है वहां पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे बीच में इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे हम 5 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया 5 बार बनाएंगे, 2 3 4 5, इस बार हम पलटेंगे दो, इसमें जो हमने पलटा नहीं था इसमें हम इस तरीके से पलटेंगे क्योंकि हमें इस साइड लेके आना है, तो इस तरीके से बनाएंगे, 5 चेन बना ली हमने और 1 सिंगल क्रोशिया कर ली पलट के, 1 2 3 4 5, बीच में 1 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, 1 सिंगल क्रोशिया,
1 2 3 4 5, आगे जो 1 सिंह की जगह है पिछले राउंड की, उसमें हम 1 सिंह का कोशा करेंगे। इस तरीके से 5 बार हो गया, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हमने ये वाला भी कोना बना लिया, और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना के तैयार कर लिया है, और इस तरीके से हमारे इस डिजाइन का बीच वाला हिस्सा बन के तैयार हो गया है। दोस्तों हमने इस धागे को यहाँ पर कट नहीं किया है, क्योंकि जो हमारा ये बीच वाला हिस्सा है, जब हम इसे जोड़ेंगे सभी पार्टों से, तो हम इसी से यहाँ से ही जोड़ना शुरू करेंगे। इस तरीके से यह किनारे बनाते हुए जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हम इस धागे को कट नहीं करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे हम अगली वीडियो बनाना सिखाएंगे। आपको हमारी ये डिजाइन कैसी लग रही है दोस्तों, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।